नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है अफ्रीकी देश, जहां भारतीय नौसेना जहाज की हुई पहली यात्रा। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हिंद महासागर में समुद्री डकैती की समस्या का सामना कई देशों ने किया है। अब इससे निपटने के लिए इस क्षेत्र के कई देश नौसैनिक सहयोग पर बल दे रहे हैं। इसी बीच समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए INS तरकश की गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के अंतर्गत गैबॉन स्थित पोर्ट जेंटिल पहुंचा। यह किसी भारतीय नौसेना जहाज की गैबॉन की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान अग्निशमन, नुकसान को कम करने, चिकित्सा और हताहतों की निकासी के मुद्दों और गोताखोरी संबंधी ऑपरेशंस से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। वैसे भी अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ हिस्से समुद्री डकैती के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती इसके लिए बदनाम रहे हैं। इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में समुद्री डकैती को समाप्त करने के लिए अफ्रीकी एवं अन्य देशों में नौसैनिक सहयोग भी बढ़ाया है। खासकर समुद्री डकैती के संकट के दौरान जहाज़ों को सहायता, SR ड्रिल, एंटी एयर और एंटी सरफेस ऑपरेशन पर इसके लिए जोर दिया जा रहा है। यह 2.35 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो ये ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन का सबसे उत्तर पूर्वी भाग है, जो अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास स्थित है। यह केप लोपेज से केप पालमास तक फैला हुआ है। गिनी की खाड़ी की प्रमुख सहायक नदियों में वोल्टा और नाइजर नदियां शामिल हैं। गिनी की खाड़ी क्षेत्र में शामिल देशों को देखें तो इसमें अंगोला, बेनिन, कैमरून, आइवरी कोस्ट, कांगो, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी बिसाऊ, गैबन, नाइजीरिया, घाना, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, टोगो और सियरा लियोन शामिल हैं। गिनी की खाड़ी में विश्व का 35% से अधिक पेट्रोलियम भंडार भी उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देता है। यहाँ हीरा, यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, मैग्नीज, ग्रेनाइट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार गल्फ ऑफ गिनी दुनिया के सबसे ज़्यादा समुद्री डकैती से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां 2020 में 135 समुद्री मछुआरों का अपहरण किया गया और 84 समुद्री जहाज़ों पर समुद्री लुटेरों ने हमले किए। इसीलिए अब इस क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यासों के जरिए सहयोग बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिंद महासागर में समुद्री डकैती से निपटने के लिए इस क्षेत्र के कई देश नौसैनिक सहयोग पर बल दे रहे हैं। दूसरा कथन है, INS तरकश की गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के अंतर्गत अंगोला स्थित पोर्ट जेंटिल पहुंचा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके चार विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।